कोविड-19 के खतरे से जल्द मिलेगा निजात, इसके लिए बूथ वाइज तैयारी भी शुरू हो चुकी है। देश के प्रधानमंत्री को 130 करोड़ लोगों की चिंता है, इसको लेकर पीएम लगातार कई देशों की यात्रा कर रहे हैं। जून से जुलाई तक कोरोना के मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराए जाने का दावा को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने बांका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। चौबे ने मुफ्त वैक्सीन के लिए नीति आयोग द्वारा राज्य की सरकारों से वार्ता कर जिला और प्रखंडों तक इसे पहुंचाने की बात भी कही। इस दौरान पूर्व भूमि सुधार व राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल के साथ कई कार्यकर्ता भी शामिल रहे। खबरें आप तक लाइव के लिए बांका से विकास मंडल की रिपोर्ट। जो है कोरोना वायरस जो है थोड़ा बढ़ रहा है, उसके लिए कब तक वैक्सीन आने की संभावना है? देखिए, कोरोना वायरस को देखते हुए जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आपने देखा कि पूरी तरह से वैक्सीन के बारे में वो कितना चिंतित है, स्वयं उन्होंने अभी वैक्सीन की यात्रा भी की और हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे, ये तीनों संस्थान में और जितने हमारे ऐसे अनुसंधान में लगे हुए वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक हैं, उनके हौसले को बुलंद किया, उन्होंने समीक्षा किया। तो जब प्रधानमंत्री के स्तर पर स्वयं वैक्सीन की समीक्षा हो रही है, पूरा स्वास्थ्य विभाग और नीति आयोग हमने पूरी योजना बना ली है। 60 साल से जो ऊपर है उनको देने की बात है, 130 करोड़ लोगों को, और बिहार में जो हम लोगों ने संकल्प लिया है मुफ्त पूरे राज्यों को देंगे, तो मुफ्त कोरोना वायरस जो वैक्सीन है वो हम लोगों को दे करके महीने में 2 डोज पड़ेगा। तो इतनी बड़ी तैयारी है देश के स्तर पर, 130 करोड़ लोगों को बाद तक उपलब्ध होगा। हमें मालूम विश्वास है कि 40-50 करोड़ अगले जून जुलाई तक ये वैक्सीन 40-50 करोड़ का जो भंडार है वो हम देना शुरू करेंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।